भैया प्लीज इनको कह दो कि सब्सक्राइब का बटन दबा, ओए सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि ऑगी ने कहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप गैस करेंगे हम किस पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। अभी तक टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, महाभारत से जो मैंने सीखा, मनोज जी की ये वीडियो, जहाँ से भी मनोज जी, शायद आपने इनका सॉन्ग भी सुना होगा वो तेरी मिट्टी में मिल जावा। अच्छा, उनका सॉन्ग है, इनका सॉन्ग है, और इनकी वॉइस कितनी अच्छी है। तो फिर आप सोचे कि इन्होंने एक हिस्ट्री को अपने अल्फाज में, मतलब उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया कि हमें उससे क्या सीखना चाहिए, या मनोज जी ने क्या सीखा वो अपने एक बताएंगे कि यार हमें ये सीखना चाहिए। जो मैंने सीखा, मतलब ये टाइटल है उन्होंने लिखा है। हाँ, और यार काफी जबरदस्त वीडियो होगी एक हिस्ट्री के बारे में, अगेन हम जानेंगे बाकी इसमें। आई थिंक मुझे लग रहा है आज भी तफसीलन पूरी फुल डिटेल होगी कि यार यही हो सकता है, सुनने में मजा आएगा वैसे, और इनकी वॉइस भी काफी अच्छी है तो और ही ज्यादा मजा आएगा। गाइस, जिस जिस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इनको ऑफिशियल चैनल। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। अच्छा, ये है हाँ। पिछले दिनों मैंने अपने YouTube चैनल पर हल्दी घाटी का पाठ किया तो आप में से कई लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे शाबाशी दी, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी थे जो मेरी इस पहल से नाराज हो गए। एक सवाल कई बार उठाया गया कि इतिहास जानना क्यों जरूरी है, जो हो गया वो हो गया, अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना। दोस्तों, इतिहास जानना गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं, दबे हुए खजाने खोदना है। बिल्कुल। क्यों जरूरी है इतिहास जानना? ताकि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें दोहराएं, और जो कुछ अच्छा हुआ है, सही हुआ है, प्रोडक्टिव हुआ है, हम उससे कुछ सीख के पूरी मानवता को फ़ायदा पहुँचाएँ, इस दुनिया को और बेहतर बनाएँ। हमें कई बार लगता है कि बात बहुत पुरानी हो गई, अब प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन यही हमारी भूल है। जो चुनौतियां तब थीं वही आज भी हैं, बस थोड़ा सा रंग रूप बदल गया है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं, पंडित नहीं हूं, लेकिन प्रेमी ज़रूर हूं। मुझे इतिहास पढ़ना और उससे सबक लेना अच्छा लगता है, और मैं हर वो चीज़ आपके साथ बांटना चाहता हूं जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। 1988 में मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। यही वो साल था जब मैंने टेलीविज़न पर पहली बार महाभारत देखी। टीवी पर तो खैर सीरीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे मन में महाभारत का एक एक पन्ना रोज़ खुलता रहा। मैं हैरान रह जाता ये सोचकर कि 5000 साल पहले जो हुआ उससे आज कितना कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और प्रैक्टिकली अपनी सफलता के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वो 5 सूत्र जो हम सबको महाभारत से सीखने चाहिए। अच्छा, मतलब 5 फायदे। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। ये दुविधा आपके सामने किसी न किसी रूप में हर दिन आती होगी, मेरे सामने तो आती है। बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स होते हैं, गाने लिखने हैं, डायलॉग्स लिखने हैं, ज़्यादा काम करने का मतलब है ज़्यादा पैसे, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ज़्यादा बड़ा घर, ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा की दौड़ में हम कम और बहुत कम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कृष्ण का संबंध कौरवों और पांडवों दोनों से था। वो दोनों में किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे, आखिर तक वो युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे। पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर भी गए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। क्या बात है। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, अब तो युद्ध अवश्यम भावी था, होना ही था। कृष्ण ने निष्पक्ष रहते हुए दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया।
एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसको जो चाहिए ले लो, चुनाव तुम्हारा है। एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 109,350 पैदल सैनिक, कुल मिलाकर 218,700 योद्धा, जिनमें सारथी शामिल नहीं हैं क्योंकि वो हथियार नहीं उठाते। तो एक तरफ ये क्वांटिटी थी और दूसरी तरफ अकेले कृष्ण, वो भी निहत्थे पर क्वालिटी से भरपूर। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी नारायणी सेना, अर्जुन ने क्वालिटी अकेले कृष्ण। युद्ध का परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। गिनतियों की दौड़ में ना पड़े, गुणवत्ता की खोज करें, विजय निश्चित है। समय के साथ बदल जाए। शकुनी के फेंके हुए पासों ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा यानी जुए में हरा दिया और उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास लेना पड़ा। शर्त ये थी कि अगर अज्ञातवास के 1 साल में पांडवों में से कोई भी पहचान लिया गया तो 12 साल का एक और वनवास फिर से शुरू हो जाएगा। अज्ञातवास की परिस्थिति कितनी कठिन थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन जो हजारों लाखों करोड़ों में पहचान लिए जाएं। पांडुपुत्र, हस्तिनापुर के राजकुमार, एक दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, दूसरा इतना बलवान कि पर्वत को भी बगल में दबा ले तो वो कड़कड़ा के चटक जाए, धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने सत्य का व्रत ले रखा था, यानी पकड़े गए तो झूठ नहीं बोलेंगे, मान लेंगे कि वही युधिष्ठिर हैं, नकुल और सहदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे सुंदर युवक संसार में दूसरा कोई था ही नहीं, और पांचाली, द्रौपदी, ब्रह्मांड की सबसे दिव्य स्त्री। इनका छुपना, अज्ञात रहना एक असंभव चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से घबराकर, इस पर आंसू बहाने की जगह पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएंगे। वो राजा विराट के यहाँ जा पहुँचे छुपने के लिए। अर्जुन जैसा वीर पुरुष, गांडीवधारी, एक नपुंसक वृहन्नला का रूप धरके राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगा। युधिष्ठिर, जो खुद दुर्योधन से जुए में हार गए थे, वो राजा विराट को द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ सिखाने लगे, और इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, महाबली भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइयां मिलके बनाते थे, वो खुद रसोइयां बन गए, और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वो स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। जब समय की आंधी उल्टी चल रही हो तो उसकी तरफ पीठ कर लेने में ही भलाई है। जब आंधी गुजर जाएगी फिर अपना जौहर दिखाएंगे, फिर गांडियों उठाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पे कदम रखते हैं, वरना अंगारों पे चलने का भी दम रखते हैं। काफी गहरे हैं, संबंध मजबूत तो हम मजबूत। कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। आप कितने भी सक्षम हो, आपको दूसरों की जरूरत पड़ने ही वाली है, इसलिए अच्छा होगा कि संबंध जोड़ते चले, बिना ये सोचे कि इस रिश्ते का आज आपको कोई फायदा होगा या नहीं। कल पर नजर रखें, दूरदृष्टि। कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों के पास कुछ नहीं था, न सेना, न हथियार, न राज्य, लेकिन संबंध थे जो उन्होंने अलग अलग समय पर जोड़ रखे थे। द्रौपदी से ब्याह किया तो उनके पिता पांचाल नरेश संबंधी बन गए। अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो कृष्ण की राजधानी द्वारिका भी कूटनीतिक रूप से पांडवों के सहयोग में उतर आई। अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से किया, जो मत्स्य राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र में मत्स्य सेनाएं पांडवों की ओर से लड़ी। पांडवों ने तमाम बाधाओं के बावजूद अगर कुरुक्षेत्र का रण जीता तो इन्हीं संबंधों के बल पर। सीखने वाली बात यह है कि जितने ज्यादा आपके दोस्त होंगे, सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो, अब देख रहे हैं।
अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, महापराक्रमी जन्मजात योद्धा। अर्जुन ने तो फिर भी रण कौशल गुरुओं से सीखा था, अभिमन्यु तो जन्म से ही रण विद्या में दक्ष था। कहते हैं उसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई, उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया, जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा कभी पूरी नहीं की। परिणाम वो शत्रु का चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया लेकिन जीवित वापस नहीं लौट पाया, क्योंकि वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक जिसका भविष्य नक्षत्रों की तरह उज्जवल था, वो अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। अभिमन्यु की तरह रणभूमि में प्रवेश भी करना है और अर्जुन की तरह विजयी होकर वापस भी लौटना है तो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखें। बने लालची आप नहीं। बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, नाम और शोहरत पाना चाहते हैं, ये महत्वाकांक्षा है। लेकिन ये सब अगर आप किसी का अधिकार छीन के, किसी का हक मार के करना चाहते हैं तो वो लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज़ है, लालच उतनी बुरी। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं दसों दिशाओं में उसका राज हो। लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा, पांडवों को 5 गांव देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कर्म का संतुलन बिगाड़ दिया और फिर क्या हुआ, हस्तिनापुर का वो राजा जो जमीन पर पांव नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लोटते हुए मर गया। अपनी एम्बिशंस को कभी ग्रीड में ना बदलने दें। ध्यान रखें कि आपकी महत्वाकांक्षा कभी कभी लालच ना बनने पाए। ये थे वो लेसन्स, वो पाठ, वो सबक जो मैंने महाभारत से सीखे और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए। अगर आपको लगता है कि ये इनसाइट्स आपके काम आई तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। एक और बात, फेसबुक पर हमारा परिवार 1 मिलियन की गिनती और इंस्टा पर 5 लाख की गिनती पार कर चुका है। आपने मुझ में जो विश्वास दिखाया है उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, आभार जैसे शब्द बहुत छोटे हैं। मैं इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, बस एक चुपचाप सा वादा करूँगा कि मैं आपकी ज़िंदगी में जितना वैल्यू एडिशन कर पाऊँ, अपनी बातों से, कविताओं से, गीतों से, फिल्मों से, यूट्यूब और सोशल मीडिया से, मैं करता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मतलब अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच रखना है। यहाँ तो ये वीडियो एंड, और इनकी वॉइस काफ़ी अच्छी थी, इनके डिफाइन करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। बहुत जैसे कि स्टार्ट में उन्होंने बताया गया, मिड में बल्कि बताया कि एक साथ हो के अपने संबंध को मजबूत रखो जितने हो सके। मतलब ये मत सोचो कि यार वो कमज़ोर है तो वो मेरे मतलब इसका ज़्यादातर बातें ऐसी थी जो आम इंसान की ज़िंदगी में घुमा फिरा कर सामने आती है कि आपने कहाँ पर मतलब गिरना है, कैसे उठना है, मतलब अपने आप को कैसे संभालना है, अपने संबंध कैसे रखने हैं, लालच नहीं रखनी। लालच हमारे यहाँ कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, ठीक है। लालची इंसान अभिमन्यु का जैसे वो बता रहे कि जो उसने चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो सीखा था कि वापस होने की शिक्षा नहीं ली थी जिसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई और वो जिंदा। मतलब ये हुआ हमारी लैंग्वेज से हम कहते हैं कि अपनी तालीम और अपनी मालूमात को कंप्लीट करें। हाँ, अपनी इंफॉर्मेशन को पढ़ाएं, अपडेट रखें अपने आप को। हाँ, ताकि मतलब ये खाली देखो जाने का हुआ, मतलब उसने सीखा वापसी आने का नहीं, इससे वो नुकसान हो जाए। और दुर्योधन जिसने मतलब चाह के अब 7 जगह पे मेरे ही मेरा राज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लालच ने उसको डुबाया पे और उसकी हार हुई एक मतलब पांडवों के सामने जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके संबंध मजबूत थे जिसकी वजह से वो उसको हारना पड़ा, ठीक है। और काफी काफी जबरदस्त किस्म की मतलब
एक्सप्लेनेशन भी उनकी है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया उन्होंने हिस्ट्री को और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, तो मतलब सुनने वाले को मजा आता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में और सुनने में। और जैसे कि तुमने स्टार्टिंग में कहा कि लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, हाँ, तो ये तो होगा मतलब ये हमारे यहाँ बड़ा मशहूर डायलॉग, ये तो होगा, आप कोई भी काम करने जाओगे आपको तनकीद करने वाले अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वाकई में ये चीजें हमारी लाइफ में डेली होती हैं और हमें इन सब चीजों से ये सीखने को मिलता है। तो काफी दिनों बाद हमने रिएक्ट किया महाभारत, एक अच्छी वीडियो थी इनकी, ओरिजिनल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, हमारे साथ भी देखिए और चैनल को गाइड फैशन विजिट करें। इस तरह की मजीद वीडियो पे आप हमें रिएक्शन चाहते हैं तो कमेंट्स में आप हमें वो भी बता सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।